ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की लेटेस्ट जानकारी के लिए कार मेरे यार सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को पुश करें ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपके पास पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, कार मेरे यार में आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने लगे हैं एक तीन ऐसी गाड़ियों के मामले में जिनकी चर्चा बहुत है, हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है और उनके लिए कन्फ्यूज़न भी हमेशा रहती है कि इनमें से कौन सी गाड़ी हम लें, कौन सी गाड़ी बेहतर रहेगी। अब ये जो गाड़ियां हैं तीनों बहुत अच्छे तरीके से अपनी जगह पे परफॉर्म कर रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से प्लेस की गई हैं अच्छे प्राइस के साथ, लेकिन कन्फ्यूज़न है कि कौन सी गाड़ी लें। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों आज की बात टाटा टियागो, मारुति सुजुकी की इग्निस और मारुति सुजुकी की ही स्विफ्ट, क्योंकि ये तीनों गाड़ियां हॉट सेलिंग है। वैसे तो बहुत सारी गाड़ियां और भी आती हैं, ये तीनों गाड़ियां एक हॉट प्रोडक्ट्स हैं, तो उसके बारे में आज मैं बात करने लगा हूं। टाटा ने बड़ी ही स्मार्टली अपनी गाड़ियों को प्लेस किया है। जैसे कि अगर हम इग्निस की बात करें तो उसके मुकाबले में हमारे पास, और स्विफ्ट दोनों के मुकाबले हमारे पास टियागो आ जाती है। अगर हम देखें दूसरी जगह पे तो काफ़ी सारी छोटी गाड़ियों के साथ कंपैरिजन करें, यानी कि एंट्री लेवल हैचबैक के लिए कंपैरिजन के लिए भी रखते हैं इसको, और कहीं हम इग्निस और स्विफ्ट जैसी गाड़ी के साथ कंपैरिजन कर रखते हैं। वहीं पे अगर हम अल्ट्रोज को देखें तो प्रीमियम हैचबैक्स के साथ इसका मुकाबला, यानी कि बलेनो और R20 के साथ भी करते हैं, वहीं पे हम इग्निस और स्विफ्ट के साथ भी करते हैं। तो बहुत ही स्मार्टली मेंटेन किया गया है इन चीज़ों को, बहुत ही अच्छे तरीके से प्लेस किया गया है। इसमें से दो गाड़ियां तो ऐसी हैं जो 5 लाख से नीचे आती हैं, और मामूली सी थोड़ी सी और ज़्यादा कीमत दे के हमें एक बड़ी गाड़ी भी मिल जाती है जिसका नाम स्विफ्ट बनता है। बेस वेरिएंट की पहले बात करूंगा क्योंकि उसके अंदर कम से कम बेल्स विसल के साथ एक गाड़ी अच्छी सी मिल जाती है हमें। कई लोग पसंद करते हैं कि हम एंट्री लेवल हैचबैक लेने के बजाय क्यों ना एक थोड़ी सी अच्छी बेहतर गाड़ी ले लें जो कि 5 लाख के नीचे आ जाती है। उन दोनों गाड़ियों का कंटेंडर है इग्निस और टियागो। बात करते हैं दोस्तों तीनों गाड़ियों के बारे में। पहले बात करते हैं दोस्तों इनके इंजन्स की, फिर डायमेंशंस की, कहाँ पे कौन सी गाड़ी फिट बैठती है, और थोड़ी बहुत जो फीचर्स आते हैं, बेसिक जो फीचर आते हैं उसके बारे में, और कौन सी गाड़ी कहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट एज लेके जाती है। बात करते हैं दोस्तों शुरू इंजन की बात करते हैं। सबसे पहले तो रेवोट्रॉन इंजन आता है 1.2 लीटर का टियागो के अंदर, जो कि 3 सिलेंडर का इंजन है। VVT इंजन 1.2 लीटर के दोनों गाड़ियों के अंदर, इग्निस और स्विफ्ट दोनों के अंदर सेम आते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये गाड़ियाँ 4 सिलेंडर हैं। 4 सिलेंडर गाड़ी होने के दो फायदे होते हैं, एक तो गाड़ी की अंदर NVH लेवल थोड़े से कंट्रोल होते हैं, और दूसरी बात इंजन की जो स्मूथनेस है वो ज़्यादा बेहतर नज़र आती है हमें। 3 सिलेंडर गाड़ी के अंदर थोड़ी सी वाइब्रेशंस ज़्यादा नज़र आती हैं हमें, हालांकि ये आजकल ट्रेंड है कि सभी गाड़ियाँ 3 सिलेंडर के अंदर आ रही हैं, चाहे बड़ी गाड़ी हो वो भी 3 सिलेंडर के अंदर पेश की जा रही है। लेकिन जो फ़ायदा है सो फ़ायदा है, इंजन का फ़ायदा उठा के थोड़ा सा स्मूथनेस के मामले में ले जाती हैं दोनों ही गाड़ियाँ, चाहे वो इग्निस ले लीजिए चाहे वो स्विफ्ट ले लीजिए, क्योंकि इंजन सेम है दोनों गाड़ियों के। सीसी की अगर बात करें कितनी पावर की गाड़ी है, तो 1197 cc का इंजन हमें दोनों गाड़ियों में स्विफ्ट और इग्निस में मिल जाता है, और 1199 यानी कि सिर्फ 2 cc का फर्क है टियागो में, ये कोई डील ब्रेकर नहीं है। उसके बाद अगर बात करूँ तो 86 bhp की पावर 6000 rpm पे पेश करती है टियागो, बाकी दोनों गाड़ियाँ 82 bhp की पावर 6000 rpm पे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 4 bhp का फर्क है। आगे बात करूँ तो 113 N की टॉर्क तीनों गाड़ियों में ही हमें मिल जाती है, 3000 rpm पे जनरेट करती है टियागो, और 4000 rpm के करीब दोनों गाड़ियाँ स्विफ्ट और इग्निस जनरेट करती हैं। डायमेंशन की दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी तीनों गाड़ियों के अंदर काफ़ी डिफरेंस है, तो वहाँ पे बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। 3765 mm की लेंथ टियागो की है, और 3700 की लेंथ है इग्निस की, यानी कि थोड़ी छोटी है, और 3840 सबसे ज़्यादा लेंथ वाली गाड़ी है स्विफ्ट। अगर हम बात करें विड्थ की तो 1677 mm की विड्थ है टियागो की, इग्निस 1690 और 1735, यानी कि इन दोनों के बीच में कहीं मर्ज हुई गाड़ी लगती है टियागो। स्विफ्ट की सबसे ज़्यादा विड्थ है 1735, यानी कि इसमें शोल्डर रूम की सुविधा सबसे ज़्यादा हमें मिलेगी, सबसे ज़्यादा शोल्डर रूम मिलेगा रियर सीट के ऊपर, 3 पर्सन के बैठने की अच्छे से हमें जगह मिल पाएगी। हाइट की अगर बात करूँ तो 1535 टियागो की है, क्योंकि एक माइक्रो SUV जैसा स्टांस लेके चलती है इग्निस, तो सबसे ज़्यादा हाइट इसी की होगी 1595, और 1530 सबसे कम हाइट है स्विफ्ट की। अगर बात करूँ व्हील बेस की तो व्हील बेस भी सबसे ज़्यादा हमें नज़र आता है स्विफ्ट के अंदर, 2400 का जहाँ टियागो के अंदर है, इग्निस के अंदर 2435 और 2450 हमें नज़र आता है स्विफ्ट के अंदर। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है
टियागो के अंदर, इग्निस के अंदर 180 है और 163 एमएम का ग्राउंड क्लियरेंस हमें स्विफ्ट के अंदर नजर आता है। बूट स्पेस की अगर मैं बात करूं तो 242 लीटर का बूट स्पेस टियागो में है, 260 लीटर का बूट स्पेस इग्निस में है और 268 लीटर का सबसे ज़्यादा बूट स्पेस हमें मिलता है, यानी कि 28 लीटर के करीब ज़्यादा बूट स्पेस हमें मिलता है स्विफ्ट के अंदर। अगर बात करूं वेट की, वेट कितना है तो 982 किलो की गाड़ी है टियागो, 825 किलो की गाड़ी इग्निस है और 855 किलो की गाड़ी स्विफ्ट है। यानी कि अगर मैं कहूँ वेट के हिसाब से, पावर टू वेट रेशो के हिसाब से पिकअप के मामले में थोड़ी सी अच्छी रह जाएगी स्विफ्ट, लेकिन दूसरे साइड पे अगर देखें तो इनके प्राइसेस क्या हैं। प्राइस में अगर देखूं तो बेस वेरिएंट का प्राइस 460,000 रुपये, एक्सई रेवोट्रॉन का एक्सई बेस वेरिएंट का प्राइस है टियागो का 460,000 रुपये, इग्निस का है 490,000 के करीब 4.89, यानी कि 29,000 रुपये महंगी पड़ती है। और अगर स्विफ्ट की बात करूँ तो ये इनसे भी 30,000 रुपये महंगी, यानी कि 519,000 रुपये पड़ती है। अगर कुल मिलाकर ये देखा जाए तो टियागो से स्विफ्ट 59,000 रुपीज़ महंगी है, लेकिन इसमें जो चीज़ है कुछ हम चेंज नहीं कर सकते उसमें, या बाद में एडिशनल नहीं लगवा सकते, वो है इनके साइजेस। लेंथ चेंज नहीं हो सकती, विड्थ चेंज नहीं हो सकती, हाइट नहीं चेंज हो सकती, तो इन मामलों में थोड़ी सी बेहतर एज लेके जाती है स्विफ्ट। लेकिन अगर हम इग्निस और टियागो का कंपैरिजन करें तो टियागो कुछ थोड़ा सा बेहतर एज लेके जाती है, बॉडी रोल की प्रॉब्लम बहुत ही कम होगी एज कम्पेयर टू इग्निस के अंदर। आगे बात करते हैं दोस्तों फ्यूल इकोनॉमी की। फ्यूल इकोनॉमी के अंदर 23 और 24 के बीच की माइलेज क्लेम करते हैं एयर आई सर्टिफाइड, 21 की माइलेज क्लेम कर की जाती है इग्निस के लिए और 22 की माइलेज क्लेम की जाती है स्विफ्ट के लिए। दोनों तीनों गाड़ियों के अंदर दोस्तों डिस्क ब्रेक फ्रंट में मिलती हैं, पीछे ड्रम ब्रेक मिलती हैं और सबके पास इलेक्ट्रिक पावर स्टेयरिंग की सुविधा भी मिल जाती है। सेफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो तीनों गाड़ियों के अंदर एयरबैग्स ABS मिल जाता है। स्विफ्ट के पास थोड़ा सा बेनिफिट ये है कि उसके पास एक ब्रेक असिस्ट की सुविधा भी साथ में मिल जाती है, लेकिन अगर मैं बात करूँ टियागो की तो उसमें थोड़ा सा बेनिफिट और मिलता है, EBD और ओवर स्पीड अलर्ट सिस्टम इसके अंदर मिल जाता है। अगर बात करूँ इग्निस में क्या अलग मिलता है तो सेंट्रल लॉकिंग और पावर डोर लॉक्स, ये सेफ्टी के अंदर इग्निस में अलग मिलता है। बाकी अगर बात करूँ तो सबके पास ही टिल्ट स्टीयरिंग की सुविधा है, मैनुअल AC और हीटर दोनों ही मिल जाते हैं, 12 वोल्ट के पावर आउटलेट भी दोनों गाड़ियों में मिल जाएंगे। अगर दोस्तों मैं बात करूं कन्वीनियंस के हिसाब से टियागो के अंदर क्या क्या बेनिफिट और मिल जाते हैं तो ड्राइवर को ट्रस्ट मिल जाएगा, टिंटेड ग्लास और मेरे लिए बहुत बड़ी डील ब्रेकर चीज़ एक और है, वो क्या है कि जो इसके फ्रंट की सीट है उसके अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। ये खासियतें मिल जाती हैं हमें कम पैसे लगा के, 60,000 रुपये कम लगा के ये सारी खासियतें मिल जाएगी हमें टियागो के अंदर। और सबसे बड़ी बात सस्पेंशन और बाहर की जो शीट मेटल है वो भी कहीं बेहतर मिल जाती है दोनों गाड़ियों से हमें, सिर्फ और सिर्फ टियागो के अंदर। हाँ अगर मैं म्यूजिक सिस्टम की बात करूँ तो दोनों तीनों गाड़ी के अंदर किसी में म्यूजिक सिस्टम कोई नहीं आता, डिस्टेंस टू एम्प्टी की सुविधा जरूर मिल जाती है तीनों गाड़ी के अंदर और 6.35 सेंटीमीटर का MID मिल जाता है हमें टियागो के अंदर, ये थोड़ी सी और एनहांस करने वाली चीज़ें मिल जाती हैं। बाकी अभी निचोड़ पहले इसका निकाल के देखते हैं कि इन तीनों गाड़ियों में क्या बेहतर है। मेरे हिसाब से अगर आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ सिटी ड्राइव के लिए गाड़ी, एक कंफर्ट वाली गाड़ी चाहिए और जिसके अंदर आपने 5 पर्सन्स को बैठा के चलना है, तब तो आप सिर्फ और सिर्फ स्विफ्ट में जाइए, बाकी और किसी के पास ऐसी सुविधा नहीं मिलेगी। अगर आपने बेस वेरिएंट ले लेना है उसके बाद उसके अंदर एडिशनल फीचर्स लगवाने हैं तो 60,000 रुपये बहुत होते हैं, 60,000 रुपये में कई सारे फीचर मिल जाए लग जाएंगे तो बेहतर रहेगा, सब कुछ हम लगवा सकते हैं उसके अंदर। हमें एक अच्छी गाड़ी मिल जाएगी, सस्पेंशन अच्छा मिल जाएगा, हाईवे पर चलाने के लिए बेहतर गाड़ी मिल जाएगी, 2 ड्राइव मोड्स भी मिल जाते हैं गाड़ी के अंदर, तो कहीं ना कहीं इतर एज लेके जाती है बेस वेरिएंट के अंदर। और अगर बात करूं दोस्तों मैं कि ऑटोमेटिक के अंदर एंट्री लेवल में कौन कौन से इनके वेरियंट्स आते हैं तो डेल्टा वेरियंट आता है इग्निस के अंदर AMT में, 6,14,000 रुपये का है, स्विफ्ट के अंदर 6,66,000 रुपये का आता है जो ऑटोमेटिक वेरियंट शुरू होते हैं और VXA वेरिएंट है जो, और टियागो के अंदर XZA की ऑप्शन है 6,20,000 रुपये में। अब यहाँ पे ये गाड़ी दोस्तों महंगी है सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपये इग्निस के बेस वेरिएंट ऑटोमेटिक से। यहाँ पे दिक्कत ये है कि इसके XE, XM, XT वेरिएंट के अंदर कहीं भी हमें ऑटोमेटिक की सुविधा नहीं मिलती, सिर्फ XZ जो टॉप वेरियंट है उसके अंदर ही ये सुविधा आती है। लेकिन 6,000 रुपये हम जरूर ज़्यादा लगा रहे हैं, लेकिन उसके साथ हमें क्या क्या खासियतें अच्छी मिल रही हैं, सबसे बड़ी अच्छी खासियत ये मिल रही है हमें कि उसके साथ में फुल बेल्स एंड विसल्स वाली गाड़ी मिलेगी, सारे फीचर्स लोड होंगे उस गाड़ी के अंदर जो गाड़ी हमें मिलेगी।
सिर्फ 6000 एक्स्ट्रा लगा के। वो क्या क्या है हम देखते हैं क्या मिलता है उसमें। टायर साइज की अगर मैं पहले बात करूँ तो 175/65 R15 टायर मिल जाता है हमें इग्निस के अंदर, जो कि सबसे बढ़िया लॉट में। स्विफ्ट के अंदर 165/80 R14 टायर है, प्रोफाइल बड़ी है। अगर मैं टियागो की बात करूँ तो 175/65 R14 टायर मिलते हैं, यानी कि 14 इंच के टायर मिल जाते हैं हमें, बड़ी प्रोफाइल के टायर मिल जाते हैं हमें टियागो के अंदर। सबसे बड़े R15 टायर मिल जाते हैं हमें इग्निस के अंदर। और डुअल टोन का डैशबोर्ड और रियर सीट हेडरेस्ट, ये दोनों सभी गाड़ियों के अंदर मिल जाते हैं, सिर्फ इग्निस के अंदर नहीं मिल पाते, टियागो और इग्निस के अंदर दोनों के अंदर मिल जाएंगे। स्विफ्ट में हमें डुअल टोन का डैशबोर्ड नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो बेस वेरिएंट से ही शुरू हो रहा है। अब दोस्तों अगर मैं कहूँ इन्फोटेनमेंट सिस्टम की बात, तो 2 DIN का ऑडियो सिस्टम जिसके अंदर की USB FM और ऑक्स की सुविधा होगी, वो सारी चीज़ें हमें तीनों गाड़ी में मिल जाएंगी। लेकिन टियागो के अंदर एक और यहाँ पे थोड़ा एज जुड़ जाता है, नेक्स्ट की ऐप वाला एक हरमन का म्यूजिक सिस्टम, जो कि अपनी गाड़ी से भी स्विफ्ट से भी कहीं ऊपरी गाड़ियों के अंदर भी वैसा म्यूजिक सिस्टम हमें नहीं मिल पाता, वो सुविधा हमें मिल जाएगी इसके अंदर। ड्राइव मोड्स की सुविधा हमें मिल जाएगी हमें इसके अंदर, और प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स मिल जाएंगे। इसके साथ साथ हमें USB चार्जर मिल जाएगा, स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स, फ्रंट एंड रियर डोर पॉकेट्स एंड बॉटल होल्डर्स, फ्रंट के फॉग लैंप्स और रियर डिफॉगर। तो अगर दोस्तों मैं वर्डिक्ट की बात करूँ कि वर्डिक्ट क्या निकलता है, निचोड़ क्या निकलता है इस चीज़ों का, सबसे बड़ी बात अगर आपको सिर्फ और सिर्फ मारुति सुजुकी के अंदर रहना है तो थोड़े कम पैसे लगा के हम स्विफ्ट की बजाय इग्निस ले सकते हैं, उसके अंदर ज़्यादा हमें फीचर्स मिल जाएंगे। AMT वर्जन के अंदर भी काफ़ी सस्ती कीमत के अंदर हमें अच्छा वर्जन मिल जाएगा, अच्छे फीचर्स मिल जाएंगे, और उसके अंदर जो पैसे बचेंगे उसके अंदर अपने कन्वीनियंट के अलग से फीचर भी लगवा सकते हैं। तो रही बात सस्पेंशन की और ड्राइवेबिलिटी की, तो ड्राइवेबिलिटी कहीं ना कहीं बेहतर मेरे को लगी टियागो की इग्निस से। बॉडी रोल क्योंकि उसके अंदर कम है, क्योंकि हाइट कम है। और तीसरी बात दोस्तों फ्यूल इकोनॉमी की भी बात करें तो वहीं कहीं नहीं है, डील ब्रेकर कहीं भी नहीं बनता, एक जैसी गाड़ियां सारी ही हमें देखने को मिलती हैं। सिटी ड्राइव में कहीं ना कहीं बेहतर गाड़ी है स्विफ्ट, और ऑल ओवर एक ऑलराउंडर गाड़ी हमें चाहिए जिसके अंदर की हमें कंफर्ट मिल जाए, प्रीमियम बड़े फीचर मिल जाए और थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा देने पड़े, तो ऑटोमेटिक वेरिएंट के अंदर भी टियागो ज़्यादा बेहतर हमें नज़र आती है। तो बताइएगा दोस्तों ये रिव्यू कैसा लगा, ये कंपैरिजन आपको कैसा लगा, आपको क्या लगता है कि कौन सी गाड़ी यहाँ पे थोड़ा सा एज और लेके जा सकती थी, नीचे कमेंट्स के अंदर बताइएगा। अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कमेंट्स आपके विचारों का तहे दिल से स्वागत है। अब नीचे दिल खोल के अपने कमेंट्स के अंदर पूछिए, या कोई अभी कोई कमी रह गई इसके अंदर वो भी हम दूर कर लेंगे, मैं आपको उसकी भी जवाब दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें और तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद।